ऑन अनदर एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट। मैच पॉइंट पर डॉक्टर अदनान आपके पास लेके आ गई हैं। मैं डॉक्टर अदनान, मेरे साथ मौजूद डॉक्टर दिलनशी। दिलनशी कैसी हैं? ठीक ठाक बिल्कुल। दिलनशी, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो चल रही है, हमारी लाइव ट्रांसमिशन के बाद हम दोबारा आ गए हैं ई आवाज़ पे देने के लिए जानकारी अपने नाज़रीन को कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है एक्सक्लूसिवली ऑन ई आवाज़। जी, 3 दिन और 3 अपसेट, चैंपियंस ट्रॉफी हैज बीन लिट अप थैंक्स टू पाकिस्तान, थैंक्स टू श्रीलंका एंड थैंक्स टू बांग्लादेश। 3 एशियन टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में एक ऐसी रूप फूंकी कि चैंपियंस ट्रॉफी जो डेड होती जा रही थी और जो क्रिकेट के पंडित हैं और जो बुर्ज थे क्रिकेट के वो तमाम उलट गए। बिल्कुल क्लियर प्रेडिक्शन जहां हो रही थी कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, वहां पर सारे बुर्ज हैं उल्टा दिए दोबारा। थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू श्रीलंका एंड थैंक यू बांग्लादेश। और ऑब्वियसली जो बुक मेकर्स हैं जिनकी चांदी हुआ करती है उनके लिए बहुत बुरे दिन थे ये पिछले 3 दिन, लेकिन क्रिकेट के चाहने वालों के की जो खुशी थी उसका ठिकाना नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक और बात है दिलनशी, के अगर हमारे चाहने वाले जो देख रहे हैं नाजरीन वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं कि इतना अब ये गंभीर चक्कर जो मसला बना हुआ है, खिचड़ी बन गई है, अब होगा क्या? अब होगा वो जो ऊपर वाला चाहेगा, जो मंजूरे खुदा होगा। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं, इफ योर माइंड इज स्टक अप और टेंगल्ड अप, कुछ टेंगल्स बने हुए हैं, खुल नहीं रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा, तो हम आ गए हैं बताने आपको मैच पॉइंट में कि सूरत हाल क्या होगी। चैंपियनशिप का जो पूल बी है हम पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूल बी की पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग पिक्चर क्यों है कि पूल बी जो है वो लिटरली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्रुप ऑफ डेथ। इसको हम इस वक्त लेबल कर दिया गया है पूल ऑफ डेथ। पिक्चर जो है बड़ी इस वक्त गंभीर है, लेकिन ई आवाज़ पे हम इसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आपको ने बताया है कि क्योंकि आप देख रहे हैं मैच पॉइंट और मैच पॉइंट पे हम करते हैं चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई। तमाम टीमों के 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन 2 ही मैच है जो बाकी हैं। एक मैच जो होने जा रहा है संडे को होने जा रहा है, जो साउथ अफ्रीका और भारत के दरमियान खेला जाएगा, और मंडे को जो मैच खेला जाएगा वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। अगर इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे देती है तो साउथ अफ्रीका इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका इंडिया को शिकस्त दे देता है तो इंडिया की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान की टीम अगर श्रीलंका को शिकस्त देती है तो श्रीलंका की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर श्रीलंका की टीम देती है शिकस्त टीम पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर, स्टोरी पे सॉरी मैंने आपकी बात काटी, स्टोरी को थोड़ा सा और कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे ये लगा कि जैसे आपने कहा था कि बर्मिंघम में जब भी पाकिस्तान खेलता है तो पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस नहीं होते बर्मिंघम में, लेकिन पाकिस्तान ने हराया बर्मिंघम में ही साउथ अफ्रीका को हराया। लेकिन जो अब आप कहते हैं कि ये क्वार्टर फाइनल, जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया है पाकिस्तान का, जो अपकमिंग मैच आ रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका ऑन मंडे, वो कार्डिफ में होने जा रहा है, तो इसकी क्या हिस्ट्री है कार्डिफ में जो होने जा रहा है? कार्डिफ की हिस्ट्री ये है, पाकिस्तान उसमें कार्डिफ में जीतता है कि हारता है? कार्डिफ का अच्छा किया आपने मुझे याद करा दिया, कार्डिफ में अभी तक बारिश हो जाती है, लेकिन कई दफा बारिश तो हर जगह ही होता है। देखें इंग्लैंड के अंदर बारिश, लेकिन हमें बारिश नहीं चाहिए। इंग्लैंड के अंदर 3 W's, वेल्थ, वाइफ और वेदर, इन तीनों की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। सही, किसी भी टाइम तीनों छोड़ के चले जाएं, वेदर छोड़ जाए, बीवी छोड़ जाए, वेल्थ छोड़ जाए, तो ऐसे ही बारिश का अमल दखल है। लेकिन डॉक्टर दिलनशी की बात के कार्डिफ में अगर मैच पड़ता है तो क्या होगा, पाकिस्तान जूं जूं लंदन की तरफ आता है पाकिस्तान मैच जीतता है। जो पाकिस्तान लंदन से अवे जाता है पाकिस्तान मैच हारता है। ज्यादातर हिस्ट्री बताती है, ये मैं नहीं बताता, लेकिन उसके बावजूद हेडिंग्ले लीड्स जो है पाकिस्तान का फेवरेट ग्राउंड भी है, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भी पाकिस्तान जीता। लेकिन अब जो बारिश की सूरत हाल है वो ये है कि कार्डिफ में, डॉक्टर दिलनशी ने पूछा कि कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स में कार्डिफ में जो होगा मैच वो क्या होगा, क्योंकि 3 ही आपको मालूम होगा कि ग्राउंड यहाँ मुख्तस किए गए हैं, एक ओवल का ग्राउंड, एक बर्मिंघम का एजबेस्टन का ग्राउंड और कार्डिफ का सोफिया गार्डन्स का ग्राउंड।
तो कार्डिफ का जो मैक्सिमम टारगेट अभी तक जो चेज हुआ है, जो रिकॉर्ड बुक्स में है, आपको पता है कि यहाँ पर 302 रन किस टीम ने चेज किए थे? कहीं पाकिस्तान तो नहीं था वो? वो टीम पाकिस्तान थी जो ऐसा अनड्यू करनामा करने पे मजबूर थी, और तो पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर सक्सेसफुल चेज किया था। हाईएस्ट परसेंटेज अगर चेज की निकालें तो पाकिस्तान की चेज में परसेंटेज ऑब्वियसली अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर चेज किया। डॉक्टर दिलनेशी ने सारी मेरी डिस्कशन जो है उसका टेम्पो तोड़ दिया। अब मुझे वापस आना होगा वहीं पर जहाँ गेम फंसी हुई थी कि वो इसको हरा दे, ये उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। मैं अब स्टोरी की जाने, स्टोरी अब खत्म करने को था। मैं बात वहीं से जोड़ूंगा कि जो टीम जिसको हराएगी, ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, वो थ्रू हो जाएगी, और जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि एक पिक्चर आपको नहीं बता सके कि अगर ग्रुप बी में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा? तो हमें बारिश नहीं चाहिए, मैं पहले बता दूं। अगर बारिश हो जाती है और कोई भी मैच मुमकिन ना हुआ, अगर कोई भी मैच नहीं होता, तो पाकिस्तान और श्रीलंका अनफॉर्चुनेटली इस कंपटीशन से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे, और ऑटोमेटिकली साउथ अफ्रीका और इंडिया जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल्स के लिए। तो इसलिए दुआ कीजिए कि बारिश ना हो, और अगर बारिश हो गई तो सारा का सारा जो मामला है ना वो खटाई में पड़ जाएगा। जी, तो ये तो था ग्रुप ऑफ डेथ की सूरत हाल। अभी हम आपको ग्रुप पिक्चर भी दिखाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको ग्रुप ए के बारे में बताना चाहता हूँ। तो डॉक्टर दिलनेशी थोड़ा ब्रीफ करेंगी आपको कि ग्रुप ए जिसको हम कहते हैं आर्च राइवल्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की मजबूत टीम वहां पर बैठी हुई है, और देखते हैं कि उस पूल की क्या पिक्चर है। जी डॉक्टर दिलनेशी, जी उस पूल की पिक्चर तो अभी फ़िलहाल यही मतलब वाजे है कि न्यूजीलैंड चूँकि हार चुका है बांग्लादेश से, और न्यूजीलैंड बाहर हो गया, जो कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सक रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो बाहर हो जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से। बांग्लादेश ने शिकस्त दी न्यूजीलैंड को। जी, बांग्लादेश ने जब न्यूजीलैंड को शिकस्त दी तो न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी की पहली टीम बन गई है जो इस चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल या फाइनल नहीं खेलेगी। लास्ट फोर तक ना क्वालिफाई करने वाली एक ही बदकिस्मत टीम है न्यूजीलैंड की टीम। चैंपियंस ट्रॉफी का आप देखिए कि कितनी जान है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, कितनी जान पड़ चुकी है कि कितना डिफिकल्ट हो गया है इसको प्रिडिक्ट करना, कि इतने दिन गुजरने के बावजूद जब चैंपियंस ट्रॉफी अभी एंड पे पहुंच रही है कि अब सिर्फ दो रोज बाकी हैं सेमीफाइनल तक पहुंचने में, और अभी तक सिर्फ एक टीम बाहर निकली है और सात की सात टीमें कॉन्टेस्ट के अंदर बाकी हैं। यही है ब्यूटी चैंपियंस ट्रॉफी की, जो आज से पहले कभी देखने में नहीं आई। इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इतनी ज़बरदस्त जो पोजीशन थी, जो इतना पैक्ड अप और जो गुंजल बने हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, ये आज से पहले कभी नहीं बने, जिसको सारे ही क्रिकेट के चाहने वाले जो है इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ग्रुप ए में अभी आपको डॉक्टर दिलनेशी ने असल पिक्चर नहीं दिखाई। असल पिक्चर बहुत खतरनाक है ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से। चैंपियंस की चैंपियंस टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, कैंगरूज की टीम जो है बड़ी खतरनाक पोजीशन के अंदर है, क्योंकि उनका एक मैच बाकी है और वो मैच है इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे फिट टीम और होस्ट टीम इंग्लिश टीम के साथ। इंग्लैंड की टीम, जो रूट की टीम, इयन मॉर्गन की टीम, मुइन अली की टीम, अगर इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देती है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड को शिकस्त दे देती है, आप गलत समझे, इंग्लैंड की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं होगी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम वो पहली टीम है जिसने अभी तक सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड को शिकस्त दे देती है तो इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर रहेगा, तो बांग्लादेश जो है वो बाहर, बांग्लादेश जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। लेकिन एक और पिक्चर भी है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के लिए, कि अगर ये मैच रेन ऑफ हो जाता है और बारिश की वजह से अगर गेम नहीं हो पाती आर्च राइवल्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के माबैन, तो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम थ्रू कर जाएगी और बांग्लादेश जो है उसको इस चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धोना पड़ेंगे। लेकिन गेम होने की सूरत में और ऑस्ट्रेलिया की हार की सूरत में ऑटोमेटिकली इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें जो है क्वालिफाई कर जाएंगी। जी। अब जो पिक्चर है वो तीसरी पिक्चर है जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी साजगार पिक्चर है और बड़ी अच्छी पिक्चर है, वो आप बताएंगी। आप एकदम से आपने पूल ए से छलांग मारी है पूल बी की तरफ। पिक्चर ये है
कि अगर अगर बांग्लादेश थ्रू कर जाता है तो इंडिया का जो है इंडिया वर्चुअल सेमीफाइनल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जो कि मेरे ख्याल से कि इंडिया को बांग्लादेश को हराना कोई मुश्किल बात नहीं होगी और इंडिया थ्रू कर जाएगा ग्रैंड फिनाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जी बिल्कुल, तो ये चीज़ें जो है वो इंडिया के फेवर में जा रही हैं कि अगर ये सेमीफाइनल अगर ये ऑस्ट्रेलिया की टीम हार जाती है तो समझें कि इंडिया की टीम को डायरेक्ट एक्सेस नज़र आ रही है फाइनल तक, मींस बांग्लादेश की टीम को उनसे सेमीफाइनल खेलना होगा। और निस्बतन आल्दो के मैं किसी भी टीम को ये नहीं कह रहा कि कोई आसान हरीफ है या मुश्किल हरीफ है, लेकिन निस्बतन अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम को आसान टीम मिलने के अमकान बन चुके हैं। पाकिस्तान All set and ready to cross Bangladesh for the new ODI rankings. आपको दिखाना चाहूँगा एक पिक्चर जहाँ पर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और वहाँ पर ये देखिए कि रैंकिंग के अंदर अगर हम इससे अगली पिक्चर देख सकें जी, इस पिक्चर में मैं बाद में आता हूँ, ये देखें जी, ये आपको पिक्चर दिखाइए आपको, इंडिया देखें लीड कर रहा है यहाँ पर रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, और आप नीचे देख सकते हैं एट द बॉटम पे पाकिस्तान और 90 और 92, बांग्लादेश और श्रीलंका 92 और पाकिस्तान 90 के ऊपर, सिर्फ दो रन का मार्जिन, दो पॉइंट्स का मार्जिन रह गया है। और पाकिस्तान अगर अच्छा परफॉर्म करता है, श्रीलंका को शिकस्त देता है, तो पाकिस्तान एनी टाइम इस टेबल को क्रॉस करके ऊपर आ सकता है और पाकिस्तान विद इन द रेंज ऑफ बीटिंग बांग्लादेश एंड कमिंग अप इन द पॉइंट्स। और अब हम देखना चाहेंगे जी पहली पिक्चर अगर हम दोबारा दिखा सकें, ये देखिए जी पूल्स की पिक्चर है, ये ग्रुप ऑफ डेथ नज़र आ रहा है आपको, ये पूल बी देखिए, ग्रुप ऑफ डेथ, एवरी टीम इज हैविंग टू पॉइंट्स, लेकिन रन रेट के हिसाब से पाकिस्तान माइनस में जा रहा है, सबसे नीचे माइनस में जा रहा है और उससे ऊपर माइनस में श्रीलंका है। ये थैंक्स टू द पाकिस्तान बैटिंग, ये रन रेट जो -1.54 का, तो दैट्स वाई आपको मैंने बताया कि अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान की टीम और श्रीलंका की टीम ऑटोमेटिकली इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगी। लेकिन दूसरी सूरत हाल में चूंकि टू पॉइंट्स ईच है, स्टोरी बड़ी सिंप्लीफाइड है कि जो टीम जिसको शिकस्त देगी वो उससे बाहर निकल जाएगी। अगली खबर क्रिकेट से मुतलिक देंगे, द मोस्ट सक्सेसफुल ओडीआई बॉलर्स एंड द टेस्ट बॉलर हिस्ट्री क्रिएट करने वाले मताया मुरलीधरन, श्रीलंका के ऑफ स्पिनर और श्रीलंका के जादूगर जो हैं उनको आईसीसी ने इंडक्ट कर लिया है हॉल ऑफ फेम के अंदर। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि आईसीसी के डेव रिचर्डसन जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से हैं, वो मुरलीधरन को इस पिक्चर के अंदर दे रहे हैं के आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करने के लिए पिक्चर जो है वो आपको शो हो रही है, इनको शामिल कर लिया गया है इस अवार्ड के लिए। जी डॉक्टर दिलनेशी। हाँ जी, एकदम से श्रीलंका से जंप करूँगी इंडिया की जानेब, और इंडिया में जो किंग जिन्हें कह सकते हैं किंग कोहली, मैं तो किंग कोहली ही बोलूँगी बिकॉज ही इज़ राइट नाउ परफॉर्मिंग एज अ किंग, तो कोहली की मुझे बड़ी अच्छी बात एक मंजर आम पे आई सोशल मीडिया में, उन्होंने कहा कि मैं पेप्सी कंपनी को वो एंडोर्स कर रहे थे और उनका उनके एड में थे और उन्होंने ये कहा, ये कहकर इनकार किया कि मैं ये इनका कमर्शियल में नहीं आऊँगा क्योंकि जो चीज़ मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकता तो मैं उसको अपने फैंस के लिए क्यों पोस्ट करूँ, क्यों ऐसे कहूँ कि मैं ये यूज़ करता हूँ तो आप भी यूज़ करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया पेप्सी कंपनी के कमर्शियल में आने के लिए। बिल्कुल जी, तो कोहली के जो फैंस हैं वो मेरा ख्याल है ये काला शरबत पीने से अब गुरेज करेंगे। बहरहाल जी मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, अब काला शरबत वाले जो हैं वो कोहली को कोस रहे होंगे या किसको कोस रहे होंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उनकी नेगेटिव ब्रांडिंग हो गई। अगली खबर जो है वो हसन अली, पाकिस्तान का एनर्जेटिक यंग एथलीट और पेशावर जैलमी के हसन अली, जिन्होंने रबादा को जब आउट किया अपने आखिरी मैच में, जो साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, तो एक बड़ा पम्प्ड अप एक्शन था क्राउड की जानेब और उन्होंने पुल करके अपने हाथ और क्राउड को शो किया अपने जेस्चर्स और बहुत गुस्से में दिखाई दिए। तो उसमें जो इस स्टोरी के पीछे जो थोड़ी सी इस पिक्चर के पीछे थोड़ी सी जो स्टोरी है, थोड़ी सी दुख भरी स्टोरी है, इसलिए कि क्रिकेटर्स आर ह्यूमन बीइंग, ऐसा बहुत गलत है कि अब्यूज़ करना या रबिश लैंग्वेज इस्तेमाल करना। जब इस मैच में पाकिस्तान की हार हुई इंडिया के खिलाफ, जहां पर हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था, तो हसन अली का कहना यह था कि उनको बड़ी बुरे तरीके से कुछ अब्यूज़ का सामना करना पड़ा क्राउड की जानिब से, क्योंकि वो बाउंड्री में फील्डिंग कर रहे थे, तो उस जो कैच ड्रॉप हुआ था उसका रिएक्शन था जो आपने देखा रबादा के कैच के बाद, जिस तरह वो एक्साइट हुए और क्राउड की जानिब उन्होंने इशारा किया,
कि उनको एनर्जी दी। तो देखें यही जो क्राउड है आपको हीरो बनाता है और यही ज़ीरो बनाता है। यही क्राउड जो था उस दिन हसन अली और इमाद वसीम को पंप कर रहा था, नासिर हुसैन ये कहने पे मजबूर हो गए कि उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था प्रिडिक्ट करना अगर वो आइज़ क्लोज करें कि ये मैच आया एजबेस्टन में हो रहा है कि लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने इंग्लिश मैदान के ऊपर इतनी एनर्जी पाकिस्तान के लिए अपने ग्राउंड के अंदर इंग्लिश ग्राउंड्स के अंदर इंग्लिश कंडीशंस के अंदर कभी नहीं देखी। वक्फे की तरफ जाना है लेकिन वक्फे से जाने से पहले आपको एक छोटी सी खबर एक और भी दे दूं। महेंद्र सिंह धोनी भारत के साबिक कप्तान और मर्द बहरान और मिडल ऑर्डर और गेम चेंजर जो है अब 64 times ही हैज बीन इन्वॉल्व जब इंडिया 300 बनाता है। बड़ी एक अनोखी ये फैक्टर है, बेसिकली ये मेरा किलर फैक्टर था लेकिन आपको जरा जल्दी डिस्क्लोज कर दिया हमने। एनी हो 64 times इज मोस्ट बाय एनी प्लेयर हु हैज बीन इन्वॉल्व इन हिज लाइफ इन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मैचेस प्लेड बाय हिज कंट्री अगेंस्ट एनी टीम। सो महेंद्र सिंह धोनी 64 ऐसे टोटल्स में इन्वॉल्व रहे हैं जब एक टीम का टोटल 300 या इससे ज्यादा हो। दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई इससे करीब तरीन भी नहीं है। इस हदफ से खबरें बहुत ज़्यादा हैं। अगली खबर जो है हम लेके आएंगे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से पहले जो मैच खेला गया था जो क्रंच मैच था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के माबेन, उस मैच का आपको बताएंगे कि उस मैच में क्या हुआ और न्यूजीलैंड की जान जो है वो इंग्लैंड ने कैसे ली। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए आपको ट्यून इन रहना पड़ेगा ई आवाज़ पर। देखते रहिए मैच पॉइंट पर। डॉक्टर अदनान, मैं डॉक्टर अदनान, डॉक्टर दिलनशीन।